द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ अपनी खूबसूरती और ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। चंडीगढ़ का 45% से ज्यादा हिस्सा पेड़ों से ढका है। यही वजह है कि यहाँ पेड़ों को खास महत्व दिया जाता है और यहाँ 31 ऐसे पेड़ हैं जिन्हें धरोहर वृक्ष हेरिटेज ट्री घोषित किया गया है। ऐसा ही एक बरगद का हेरिटेज ट्री चंडीगढ़ के सेक्टर 38 स्थित एक गुरुद्वारे में भी है जो करीब 300 से 350 साल पुराना है। ये कम भी जो पेड़ है 300 साल से पुराना है। और दूसरा ये है कि ये जो यहाँ पे ये जो गुरुद्वारा भी है, जो शाहपुर गुरुद्वारा जिसका नाम दिया गया है, क्योंकि ये विलेज का गुरुद्वारा था तो इसलिए बहुत पुराना है। और इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। यहाँ एक कुएं भी है जो कहा जाता है कि सिंह राज के समय से है, जिस समय महाराजा रंजीत सिंह का राज था उस समय से ये यहाँ पे कुएं है। ये पेड़ तभी से यहाँ है। ये गाँव चंडीगढ़ के बनने तक मौजूद था, लेकिन जब चंडीगढ़ को बनाया गया तब गांव को खत्म कर दिया गया और वहां पर चंडीगढ़ का सेक्टर 38 बसा दिया गया। यहां सिख धर्म गुरु और राजा रणजीत सिंह भी आ चुके हैं। कभी गुरु महाराज जो थे पांटा साहब से जब जाते हुए फतेहगढ़ साहब या आनंदपुर साहब जाते थे तो यही रास्ता होता था उनका उस समय जाने का, तो ये इसलिए भी महत्व है इस पेड़ का। हालांकि इन पेड़ को हेरिटेज ट्री का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन इसका सही ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। खुश तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जितने हेरिटेज ट्रीज हैं ये सारे धीरे धीरे मर रहे हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं इसमें फाउंडेशन लगी हुई है, उसके बावजूद बर्ड ड्रॉपिंग से बहुत सारे पेड़ छोटे बच्चे आ रहे हैं। पेड़ के तने भी खराब होने शुरू हो गए हैं। मेंटेन करने के लिए यहाँ 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक फॉरेस्ट है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन का, और एक MC चला रहा है, तो ये तीनों में बंटा हुआ है, उसकी वजह से पेड़ों का बर्बादी हो रही है। अगर पेड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हम इस पेड़ को जल्द ही खो सकते हैं। बेसिकली हम हेरिटेज जो है आने वाली जनरेशंस के लिए करते हैं कि हम ये जो चीज़ है इसको हम बचा के हम आने वाली पुश्तों के लिए, अगली जो जनरेशन है उनके लिए हम बताएं कि ऐसा पेड़ भी कभी था, नहीं तो ये चीज़ें सब म्यूजियम में देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में। और इसके लिए मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ बोर्ड लगाने से या हरा बोर्ड लगाने से वो हेरिटेज नहीं हो जाएगा, इसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस है और इसके लिए एक अच्छी टीम होनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट का काम नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट में जो हमारे चंडीगढ़ में लोग आते हैं वो एक दो साल में डेपुटेशन पे आते और चले जाते हैं, तो यहाँ पे लोकल लोगों की टीम होनी चाहिए जो इन पेड़ों को बचा सके। आपको बता दें कि जिन पेड़ों को हेरिटेज या फिर विरासत का दर्जा दिया जाता है उनके पास एक हरे रंग का बोर्ड लगाया जाता है। इस बोर्ड में पेड़ के बारे में मूलभूत जानकारी दी जाती है, जैसे कि ये पेड़ कितना पुराना है, कब से यहाँ लगा है और इसे क्यों हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। इस हरे रंग के बोर्ड में एक QR कोड भी लगाया जाता है जिसे स्कैन करके उस पेड़ के बारे में उपलब्ध सभी जानकारी जुटाई जा सकती है। बेसिकली सारे काम के पीछे SK शर्मा जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट से चंडीगढ़ से 1990 के करीब हम लोग इकट्ठे होके पेड़ों के बारे में किया, और अंदाजा 225 पेड़ थे उस समय जो हेरिटेज के लिए हम लोगों ने लड़ने की कोशिश की, और उसके बावजूद 31 पेड़ अंदाज़ा 2012 में नोटिफाई हुए ये, लेकिन चंडीगढ़ में ऑलमोस्ट जो 31 पेड़ों के अलावा बहुत सारे पेड़ हैं जो अभी हेरिटेज के लिए हम उनके लिए लड़ रहे हैं, 100 साल से पुराने पेड़ हैं। चंडीगढ़ के प्रशासन और लोगों की जागरूकता का परिचायक है और उन्हें पता है पेड़ पौधे हमारे समाज के लिए कितना उपयोगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।